नवे महीने में मॉम्स इस चीज की क्यूरियोसिटी रखती हैं कि बच्चा नीचे कब आता है, बच्चा नीचे आएगा यानी कि डिलीवरी की संभावना कब बनने लगती है, तो बच्चा कब नीचे खिसकता है, और खिसकता है तो आप उसको जान सकते हो, आप उसका पता लगा सकते हो। इट्स वेरी इजी। हेलो एंड वेलकम अगेन लवली मॉमीज टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ चैनल को एंजॉय कर रही है। बेबी का ड्रॉप होना नवे महीने में यानी कि डिलीवरी का समय करीब आ गया है, ये तो बिल्कुल सच बात है, लेकिन बेबी कब ड्रॉप होता है? तो कई बार डिलीवरी से 2-3 हफ्ते पहले भी ऐसा हो जाता है, नवे महीने में ये कभी भी हो सकता है। इसके कोई इक्वेशंस नहीं है, कोई फिट फॉर्मूला नहीं है कि यही तरीका है इसी टाइम बेबी ड्रॉप होता है, नहीं, ये बेबी के मूड पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है कि बेबी कब ड्रॉप होगा। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी की डेट है जो आपकी, ये डिलीवरी का जब समय आता है उससे 1-2 दिन पहले हो। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के प्रोसीजर में भी बेबी एड डाउन करता है, घूम जाता है, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि नवे महीने जो है स्पेस कम बचता है। तो नवे महीने के शुरू में या बीच में कभी बेबी ड्रॉप कर सकता है। पता कैसे चलेगा आपको? हेड डाउन करना के मतलब आपके लोअर पार्ट्स की तरफ बेबी का सिर होना, और नीचे होती है हमारी पेल्विक बोन्स। पेल्विक कैविटी में बच्चा अपना सिर फंसा लेते हैं, नीचे चला जाता है, और इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं एंगेज होना। लाइटनिंग भी कहते हैं, एंगेज भी कहते हैं। और जब ये होता है तब आपके शरीर में कुछ लक्षण आते हैं। कई बार बच्चे के गले में लूप होने की वजह से नीचे बेबी पूरी तरह एंगेज नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर बेबी ड्रॉप हो जाता है तो बॉडी में चेंजेस होंगे, फील होने लग जाएगा कि बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। आपको क्या है वो चेंजेस? नंबर वन, आपका पेट में जो ऊपर चेस्ट की तरफ जो प्रेशर था, ऊपर की तरफ जो ब्रीथलेस हो जाती थी आप, वो अब नहीं होगा। आपकी ब्रीथ प्रॉपर रहेगी, आपको भूख खुल के लगेगी, आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। दूसरी चीज, आपका जो पेट आप महसूस करते थे बिल्कुल इस तरीके से, वो लोअर रीजन में ज्यादा बड़ा दिखेगा आपको। बेबी बम्प आपको नीचे की तरफ ज्यादा बड़ा दिखेगा, ऑब्वियसली बेबी ड्रॉप हुआ तो सारा वेट नीचे की तरफ चला गया। तीसरी चीज कि आप जब चलेंगे तो चलते वक्त थाइस के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर फंसा हुआ, अगर बेबी सही तरीके से एंगेज हो गया है। इसके अलावा चलना फिरना वाकई बहुत कठिन हो जाता है ऐसी कंडीशन में, और नीचे के अंगों पे प्रेशर पड़ता है, पैरों में ऐठन रहती है, बहुत दर्द रहता है पैरों में ऐसी कंडीशन में। अगर आपने एक्सरसाइज की है तो ये काफी आरामदायक होगा, अगर नहीं की है तो काफी असर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, कम हो जाता है, तो पैरों में ऐठन बहुत रहती है। यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि बेबी नीचे की तरफ क्या है तो ब्लैडर पर काफी प्रेशर है, तो ऐसे में यूरिन आपको बार बार आएगी, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो हाइजीन का ध्यान रखें, क्लीन रखें अपने बॉडी को ताकि किसी तरह का आपको इन्फेक्शन ना हो गीलेपन की वजह से। अब ऐसे में डिस्कम्फर्ट से कैसे बचें? ऐसा होने पर क्या डिलीवरी तुरंत हो जाती है? ये आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं, आप डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लें। नवे महीने में 7-10 डेज में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, हर छोटे मोटे चेंजेस को अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी हो रही हो। ऐसे में जब बेबी ड्रॉप हो जाता है तो पैदल जरूर चलें, पैदल चलने से परेशानियां कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, डाइट बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, फ्लूइड इंटेक रखें, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें, साथ ही पीठ के बल कम सोएं। ये काम आपको उस समय करने हैं जिससे कि आप काफी बेहतर महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।